अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन। व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज हम अपनी पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट रेशियोज वो होते हैं कि हमारे पास दो रेशियोज हैं, हम उनको डिविजन करेंगे, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उनको भले हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा सेम होगी दोनों की। अगर हमारे पास कोई दो ऐसे रेशियोज आ जाते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेशियोज आ जाते हैं, तो वो क्या कंसिस्ट करते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी होती है। अब पढ़ते हैं मज़ीद क्या होता है। 4/5 इज इक्वल टू 12/15 बिकॉज बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4/5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल दी उन्होंने 4/5 और 12/15 की। अगर हम 12/15 को देखें तो मज़ीद रिड्यूस होकर ये जो है वो 4/5 ही बनाएगा। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट, ये इनके पास जो है प्रोपोर्शन के अंदर हम इनको ले सकते हैं। द अबव प्रोपोर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4:5 एज 12:15 एंड इज रीड एज 4:5 एज 12:15। अब उन्होंने जब इसको रेशियो की प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा तो उन्होंने कैसे लिखा, 4:5 डबल सेमी डबल कॉलन 12:15, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों की क्या होगी, 4:5 ही होगी। In the proportion 4:5 as 12:15, the term 4 and 15 are called the extremes. 4 and 15 को ये क्या कह रहे हैं, extremes, और 5 और 12 को ये कह रहे हैं mean. Also, the term 15 is called the fourth proportional to 4, 5 and 12. मतलब जो हमारे पास चौथी टर्म है यहाँ पर, उसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, किसके लिए, 4, 5 और 12 के लिए। The double colon is sometimes replaced by an equal sign. जो हमारे पास double colon है उसको हम कभी कभार जो है वो equal के sign से भी replace कर देते हैं। Consider 1:3 as 3:9 और 1/3 is equals to 3/9. In this case, the same number 3 constitutes the second as well as the third term of the proportion. वो कह रहे हैं जो हमारे पास mean की position पर दो 3 मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो second place पर भी 3 आ रहा है और third place पर भी हमारे पास 3 आ रहा है। In other words, the means are the same. मतलब means हमारे पास दोनों same हैं। Therefore, 3 is known as the mean proportional between 1 and 9. तो हम इस 3 नंबर को क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1 and 9, क्योंकि मीन्स सेम है हमारे पास दोनों। नेक्स्ट, ऑल्सो द 3 नंबर्स 1, 3 and 9 आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास तीनों नंबर 1, 3 और 9 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर हैं। द थर्ड क्वान्टिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट एंड सेकेंड। मजीद उन्होंने कहा कि जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 9, 1, 3 और 9 के अंदर जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल फर्स्ट और सेकंड के लिए। मजीद पढ़ते हैं, 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेट टू कंस्टिट्यूट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कही थी, मतलब 1, 3 और 9 अगर हैं तो हम उनको कहेंगे कि ये तीनों जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर हैं। कैसे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर इस तरीके से हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 1 और 3 का रेशियो लें और हम सेकेंड और थर्ड यानी 3 और 9 का रेशियो लेंगे तो दोनों जो है वो सेम आएंगे। हम चेक भी कर सकते हैं, 3 और 9 को हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो वही आएगा, 1/3 आंसर आएगा। दैट मीन्स हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसलिए कह रहे हैं 1, 3, 9 को, कि अगर हम 1 और 3 का प्रोपोर्शन लें और 3 और 9 का प्रोपोर्शन लें तो हमारे पास दोनों के आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लुक एट दीज नंबर्स 1, 3 और 9, 1, 7 and 49। 1:3 एज 3:9 और 1/3 जो 3/9, ये हमारे पास कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। वेयर एज 1:7 and 49 भी होगी, क्योंकि अगर हम 7 और 49 को सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये होगा 1:7 एज वेल। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। द क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज़ यूज टू कंपेयर टू रेशियोज। द क्रॉस प्रोडक्ट रूल स्टेट्स दैट इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। बहुत सिंपल सी बात की हुई है इन्होंने, प्रोडक्ट हमें पता है कि मीन और एक्सट्रीम क्या होता है। तो वो कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है मीन के प्रोडक्ट से। एग्जांपल देख सकते हैं आप, 4/5 इज इक्वल टू 12/15, तो हमारे पास ये एक्सट्रीम्स है 4 और 15 और 5 और 12 हमारे पास मीन है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों सेम आएंगे, 4 × 15 इज इक्वल टू 5 × 12। वो मज़ीद बता रहे हैं कि हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्विंग किस तरह से कर सकते हैं। Look at the two ratios 2/3 and 4/5. Apply the cross product rule by multiplying the extremes 2 and 5 and the means 3 and 4. हम जब product of mean और product of extreme करेंगे तो फिर क्या होता है, 2 × 5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका product कुछ इस तरह से होगा,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, 2 × 5 × 3 × 4, अब 2 5 का होता है 10, ठीक है। अब जो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग द टू प्रोडक्ट्स, वन कैन सी दैट 5 × 2 साइन पहले नहीं लगा के आप ऐसे देखो, और 3 × 4 को 3 × 4 = 12 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, दैट मीन्स ये वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये ग्रेटर होगा। तो हमने लिखा सच दैट 2/3 इज़ लेस दैन 4/5, दी ओरिजिनल रेशोज़ फॉलो द सेम इनइक्वालिटी साइन। मतलब हम जब ओरिजिनल रेशोज़ जो थे हमारे पास 2/3, ऐसे हम इसको हटा दें और आप देखें तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रेशो लिखेंगे और सेकेंड रेशो लिखेंगे तो वो होगा 2:3 एंड 4:5, मतलब 2:3 हमारे पास बड़ा होगा और 4:5 हमारे पास छोटा होगा। तो उन्होंने इसको जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, नहीं 2:3 हमारे पास छोटा था, लेस देन 4/5, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। शाहिद टुक 4 wickets in 8 overs एंड मुजीब टुक 3 wickets in 5 overs, हु हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड। हमारे पास रेशोज़ क्या बनेंगी, शाहिद की ओवर्स की 4 wickets in 8 overs, 4/8, इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया 1/2, और मुजीब की बनेंगी 3/5, 3 wickets ली थी उसने 5 ओवर के अंदर। जब उन्होंने उसके ऊपर रेशोज़ क्या है उनके, 1:2 एंड 3:5, ईच डिनोटिंग द नंबर ऑफ विकेट्स पर ओवर। अब उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया, मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया तो होगा 1 × 5 एंड 2 × 3। उन्होंने ये करके देखा, अब साइन हटा के ख़ुद से देखेंगे तो ये होगा 1 × 5 और 2 × 3, 1 × 5 = 5, 2 × 3 = 6, अगेन 5 < 6। हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, द ओरिजिनल रेशो फॉलोज द सेम इनइक्वालिटी साइन। तो हमारे पास पहली रेशो क्या थी, 4/8 या 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगी, लेस देन 3/5। इट फॉलोज दैट मुजीब जिसकी रेशो था 3/5, उसका जो है वो बेटर रिकॉर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेस इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अब वो बता रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, वेयर एज अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ प्लेसिंग वन बॉल ऑन अ वेइंग स्केल मूव्स द पॉइंटर टू 2 kg, प्लेसिंग टू बॉल्स शुड मूव द पॉइंटर टू 4 kg। इफ बोथ द कंडीशंस आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशोज दे वुड बी इक्विवेलेंट। अब वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम एक बॉल को रखते हैं और उसका वेट होता है 2 kg, तो अगर हम दो बॉल्स रखेंगे तो उनका वेट भी इंक्रीज़ करना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 4 kg। नंबर ऑफ बॉल्स क्या था, पहले एक थी फिर दो, तो 1:2। वेट ऑफ बॉल्स पहले 2 था फिर 4 हो गया, तो हो गया 2:4, और सिंपल करने पर 1:2, मतलब इंक्रीज़ भी हो रहा है तो साथ में इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ भी होगा तो सेम डिक्रीज़ भी होगा और सेम ही इंक्रीज। अगर 2 kg उसका बढ़ रहा है तो 2 kg, अगर हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो उतना ही हमारे पास फ़र्क आएगा। एग्जाम्पल क्या है जी, एन ऑथर राइट्स 6 pages in 1 hour, हाउ मैनी पेजेस विल शी राइट इन 5 hours। एक ऑथर है उसने जो है वो 6 pages लिखे 1 घंटे के अंदर, तो वो 5 pages कितने घंटों में लिखेगी। सॉल्यूशन क्या है, लेट द नंबर ऑफ पेजेस कंप्लीटेड इन 5 hours बी एक्स। हमारे पास कोई और नंबर नहीं है तो हम उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ पेजेस कंप्लीटेड इन 5 hours बी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज आवर्स कितने थे, पहले एक था तो 6 pages किए, अब 5 hours हैं तो कितने पेजेस करेगी, तो हमें एक्स कर दिया। दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज द ऑथर विल राइट मोर पेजेस इन मोर आवर्स, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जब हमारे पास घंटे बढ़ेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है पेजेस भी बढ़ेंगे। उन्होंने क्या लिखा, 1:5, अब पहले आवर्स का रिलेशन लिखा, रेशो प्रोपोर्शन 6:6, अप्लाइंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जब उन्होंने मतलब मीन्स की मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 × x = 5 × 6, क्या हो गया हमारे पास, 1 और x मल्टीप्लाई करेंगे x ही आंसर होगा, 5 × 6 = 30, मतलब के 1 एक आवर में हो रहे थे 6 pages और 5 hour में कितने होंगे, 30 pages। द ऑथर विल राइट 30 pages in 5 hours। इन इनवर्स प्रोपोर्शन, एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू सिमिलर डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेस इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं और एक अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, इफ 4 cooks chop 50 vegetables in 2 hours,
then 8 cooks will chop the same quantity of vegetables in 1 hour. As the number of cooks increases, the number of hours decreases. The ratio of the number of cooks is expressed as 4:8. The ratio of the number of hours is 2:1, expressed in the simplest terms. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, अब क्या रेशो बता रहे हैं, वो रेशो होगा नंबर ऑफ कुक्स और नंबर ऑफ आवर्स के दरमियान। जब हमारे पास नंबर ऑफ कुक्स पहले कम थे तो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा, जब हमने नंबर ऑफ कुक्स बढ़ाए तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए। नंबर आवर्स पहले 2 थे और नंबर ऑफ कुक्स 4 थे, जब हमने नंबर ऑफ कुक्स 8 कर दिए तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स 1 हो गया। तो रेशो क्या हुआ, 1:2 नंबर ऑफ कुक्स और नंबर ऑफ आवर्स का क्या हुआ, 2:1। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 1:2 इज़ नॉट इक्वल टू 2:1। लेकिन अगर हम, however, if the terms of one of the ratios is altered, they become equivalent ratios. अगर हम इन दोनों ratios में से किसी एक के terms को alter कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, equivalent ratio बन जाएगा। For instance, the inverse of the first ratio is 8:4. अगर हम first वाला ratio देखें तो उसका inverse क्या होगा, 8:4, which is 2:1 in the simplest terms. अगर इसको हम simple करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1:2 की जगह 2:1। तो हम अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 8:4 is equals to 2:1. सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड इफ़ द टर्म्स ऑफ द सेकेंड रेशोज आर इन्वर्स्ड। अगर हम अब हम इसको इन्वर्स कर लें, 2:1 से 1:2 कर लें और इसको वैसे ही रहने दें, तो फिर हमारे पास सेम आंसर होगा, 1:2, 1:2। दस इन इन्वर्स प्रोपोर्शन टू रेशोज बिकम इक्विवेलेंट इफ़ वन ऑफ द रेशोज इन्वर्स्ड। इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास दो रेशोज इक्विवेलेंट कैसे होंगी, जब हम उनमें से एक को जो है वो इन्वर्स कर देंगे। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बुक की एग्जाम्पल नंबर 20 है। टू मेजन्स बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 5 मेजन्स टू बिल्ड द सेम वॉल। अब हम कह रहे हैं दो मजदूरों ने कितना टाइम लिया था, 10 दिन लिए थे एक दीवार बनाने में। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ मेजन्स मतलब बढ़ जाता है, 5 हो जाता है 2 से, तो हमारे पास अब दिन जाहिर सी बात है वही सेम वॉल बनाने के लिए कम लगेगा। समझ में आ गया कि ये एक इन्वर्स रिलेशन है। सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमें पता करने, क्योंकि जब हमारे पास 5 मजदूर हो गए तो अब हम कितने दिन में एक इस दीवार को, सेम वॉल को तैयार कर सकते हैं। बोला लेट द नंबर ऑफ डेज बी एन, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मेजन डेज। दो मजदूरों ने 10 दिन में तैयार किया तो 5 मजदूर एन डेज में तैयार कर लेंगे। दिस इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन बिकॉज द मोर मेजन एम्प्लॉयड द फ्यूअर डेज इट विल टेक टू बिल्ड द वॉल, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज। चूँकि ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है तो हम इसको किस तरह से लिखें, जैसे हमने इन्वर्स लिखा था, तो एक आसानी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेजन हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। हम स्टार्ट करेंगे हेड से और जाएंगे टेल की तरफ, हेड से स्टार्ट करेंगे टेल की तरफ जाएंगे लिखने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे, 5:2 प्रोपोर्शन 10:n, ठीक है। तो इन्वर्स के अंदर हम हमेशा इस तरह से लिखा करेंगे। अगर हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो हम दोनों एरोस एक ही डायरेक्शन में चलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। 5:n इज इक्वल टू 2:10। 5n फाइंड आउट करना है, हम 5 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के हमने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया हमारे पास 4 डेज। 5 मेजन्स विल टेक 4 डेज टू बिल्ड द वॉल। देखें जी, नंबर ऑफ डेज हमारे पास 10 से 4 पर आ गया। तो अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं चल के। तो आप लोगों का चैप्टर तो कम्प्लीट हो गया, अब हम डिफरेंट क्वेश्चन परफॉर्म कर लेते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स, 2/3 है, उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में 18 मौजूद है और नेक्स्ट में हमारे पास 24 मौजूद है। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस बनेगी उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3। तो हम मल्टीप्लाई कर देते करके देखते हैं, 18 के टेबल में हमारे पास आ रहा 18 आ रहा होता है 3 के टेबल में, इस तरह से 18 हम ले रहे हैं ना, 3 6 18, ठीक है। अगर हम 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12। अब हमारे पास 24 है तो होता है 3 8 24, अगर हम 2 8 करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, 2 3 6 होता है तो 7 3 क्या होता है, 21। इसके बाद जी 7 9 3 होता है तो जाएगा 2 9 18। थर्ड पे आ जाते हैं, 0.1 के अंदर हमने जब 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा हमारे पास
हम 0.6 से जब जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से करेगा हमें, जब इसके फ्रैक्शन को बदल लेते हैं इसको हम आगे ले जाते हैं, इसको भी हम आगे ले जाते हैं, जिसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6 को जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जाएगा 6 24 है, मतलब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 24 और 1 को 4 से करेंगे तो आंसर होगा 4 है 3/5, 3/4 का 12 होता है और 5/3 का क्या होता है 15 होता है, 5/4 का 20 होता है हमारे पास, तो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम 2 लिख देंगे, पॉइंट शिफ्ट कर दिया हमने पीछे, तो हमारे पास 5/4 को हम अगर डिवाइड करके देखें तो होगा 5/8 = 40, मतलब 0.8। अगर हम 3 को करवाते हैं इससे, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 0.8, इसका मतलब इन्होंने सब करके देखते हैं 5 × 0.8 या 5/8 क्या होता है हमारे पास 40 होता है, हम करेंगे 3 × 8 तो जाएगा 24 हमारे पास, अगर हम फ्रैक्शन में करना चाहें इसको हमारे पास क्या आंसर देना चाहिए, ठीक है 4/4 वही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा सर 8 तो हमारे पास आएगा 24। लास्ट वन है हमारे पास 1/4 आंसर आ रहा है इक्वल्स टू 0.5। अगर हम 1 × 2 करेंगे तो आंसर होगा 1 × 0.5 करेंगे तो आंसर होगा 0.5, अगर 4 × 0.5 करेंगे तो आंसर होगा 2, और अगर हम 5 है 0.5 है 1 है और ये हो जाएगा हमारे पास होल फ्रैक्शन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7, इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28 फाइंड द सेकंड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2:7 प्रोपोर्शन, फर्स्ट क्वांटिटी हो गई 28, सेकंड को हमने x अज्यूम कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट 2x = 28 × 7, 28 × 7 करके देखते हैं 7 × 8 = 56, 2 × 7 = 14 + 5 = 196, हम लिखेंगे x = 196/2, कैंसिल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16, तो x किसके बराबर आया 98 के। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, अब जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया था 4, 5 हम स्किप करें, 6 पर आते हैं, 6 में क्या है, यूज़ द क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू डिटरमाइन विच ऑफ द रेशियोज इज ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 3 केसेस दिए हुए हैं, हम थर्ड वाले से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3,
दो रेशोज़ हैं, कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सी जो है वो ग्रेटर है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम करेंगे इसको। पहले हमने प्रोपोर्शन के उसमें लिखा 6:11 एज 7:12। ये हो जाएगा हमारे पास 6:12 एंड 11:7। 12 6 6 और 77 12 6 72 होता है। दैट मीन्स हमारे पास ये वाली इक्वेशन पड़ी है, ठीक है। तो हम क्या होता है, इन इक्वालिटी जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होती है हमारे पास। तो हम बस 7/12, 7:12 इज ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 एंड 2 इज योर होमवर्क। फाइंड ये फोर प्रोपोर्शन, 7 आप स्किप करें, 8 पर आता है। डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। मीन प्रोपोर्शनल है मतलब के जो हमारे पास बीच के दोनों मीन वाली पोजीशन जो है वो सेम होगी, क्योंकि वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4:2 दोनों को x सपोज कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही होगी दोनों की 6। हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 4 एंड 9 है सॉरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 9 36। स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइडों पर, x इज इक्वल्स टू 6 6 36 होता है 6। अब बस मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन 9 है, इफ 7/13 इज इक्वल्स टू 14/p, फाइंड p। अब क्या करना है हमें, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब है क्वेश्चन नंबर 9। 7/13 इज इक्वल्स टू 14/p। अगर हम इसको इन्वर्स करके लिखें, ऐसे लिख सकते हैं 13/7 इज इक्वल्स टू p/14। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 4 12, 4 1 4 + 1 5, 1 3 3 1 1 1, 2 8 1 182 हो गया। अब जब हम करेंगे 182/7 इज इक्वल्स टू p, ठीक है, 7 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो सकता है कि नहीं। सेवन टू ज़ा 14, 4 बजा 7 6 ज़ा 42, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 26। अब चलते हैं जी, 10 हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 इज़ योर होमवर्क। अब है हमारे पास 13 करेंगे और 14 आपका होमवर्क है, ठीक है। इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 डेज, हाउ मैनी डेज इट विल टेक 3 कारपेंटर्स टू कम्प्लीट द टेबल। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 कारपेंटर्स ने 3 दिन लिए एक टेबल बनाने में, तो हमारे पास 3 कारपेंटर्स कितने दिन लेंगे एक टेबल बनाने में, ठीक है। तो अब हम ऐसी बता सकते हैं कि एक ये इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि अगर हमारे पास कारपेंटर्स की तादाद बड़ी है तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कम हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ कारपेंटर्स, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, पहले नंबर ऑफ कारपेंटर्स 2 थे, नंबर ऑफ डेज
3 लगे। अब जब नंबर ऑफ़ कारपेंटर्स 3 हैं तो नंबर ऑफ़ डेज कितने होंगे, x। कारपेंटर्स की वैल्यू बढ़ गई तो नंबर ऑफ़ डेज़ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है, हम लिखेंगे 3:2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन 3 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। थ्री इंटू टू इज इक्वल्स टू 3x। एक्स इसके बराबर होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2 बचेगा हमारे पास, मतलब 2। तो हमारे पास 3 कारपेंटर्स कितने डेज लेंगे, 2 डेज। ठीक है, ये हो गया अब आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम MCQs देखते हैं तो हमारी जो ये चैप्टर है कम्प्लीट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक ब्लेंड 1 कप होल मिल्क एंड 2 कप्स चॉकलेट आइसक्रीम, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा हमारे पास, मिल्क कितना है हमारे पास 1 कप और आइसक्रीम कितनी है हमारे पास 2 कप्स। आइसक्रीम रेशो मिल्क, आइसक्रीम कितनी थी 2 कप्स और मिल्क कितना था 1 कप। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया। बी क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 5:7 इज इक्वल टू x:2। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7x इज इक्वल्स टू 5:2, x इज इक्वल्स टू 5:2 अपॉन 7 जो कि बराबर जाएगा 10/7 के। ए ही दोबारा से करेक्ट हो गया। इन अ ज़ू देर आर 4 lions and 2 tigers, द रेशो ऑफ lions टू टाइगर्स इज 4 lions 2 tigers, है ना। तो जो हम इसको लिखेंगे तो होगा 4:2, रिड्यूस भी हो सकता है, इसको हम कर देंगे 1:2, 2:1। तो ये हमारे पास बी। नेक्स्ट 24:36:48 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 24, 36 and 48। अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 से भी हो सकता है रिड्यूस या 3 से भी हो सकता है। बेसिक से चल लेते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन अब 3 से कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और 3 8 ज़ा 24। 2 से हो जाएगा फिर से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2:3:4 डी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो 1:3:5:8, ratio 2:12:20:32 एंड ratio 3:9:25:64, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, सिंपलीफाई करके हमें आंसर पता चल जाएगा। बेसिक होगा 3:5:8, यानी कि रेशो 1 के इक्वल आ सकते हैं ये लोग। इन सबको रिड्यूस करके देखते हैं, पहली है 12:20:32, 2 से ही कर लेते हैं इसको, 4 से भी कर सकते हैं, हम 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 20 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 और 15 हो सकते हैं मज़ीद, नहीं 2 10 ज़ा 20 होगा ना। अगेन मज़ीद रिड्यूस कर लेते हैं इसको 2 के ही टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, 3:5:8 इक्वली आया। अब 9:25 और 64 करके देख लेते हैं। 9 के टेबल से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो सकता, 2+5 25 नहीं आता, 64 भी नहीं आता। तो हमारे पास रेशो 1 और रेशो 2 ही इक्वल होंगे। ठीक, तो आपने ये तमाम काम अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया रेशो एंड प्रोपोर्शन का। सो थैंक यू सो मच।